Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Point. Students, as you know that we have started the chapter 11 of D1 book, Triangles, Quadrilaterals and Polygon exercise 11, and today we will do question 4 and 5. So before starting this lecture, students, I will request all of you that students who are new in my channel, kindly subscribe the channel, press the bell icon, kindly don't forget to share and like the video. So we will start the lecture. In the starting lectures, if you saw the video of question 3 and practice now 1 and 2, so you have a clear concept about how you will be able to find out the interior as well as exterior angle. Aur agar aapko concept nahi hai, toh kindly in videos ko dekhen, taaki aapko concept ho jaye ki kis tarah se aapne interior angle ko find out karna. Ab humne find out karna, we have a question 4. Given that DAB is a straight line, okay, DAB is a straight line. Find the value of the unknowns. Okay, we have a different parts in question 4. We have 3 parts. So, in this question, we have to find out the unknown angle. Here, you can see that we have an unknown angle, that is A. I just shared this angle A. And this angle A is the exterior angle. Agar ye triangle ke andar hota, jis tarah ke mere paas 47 hai, 55 hai, to ye interior angle hota. Ye triangle ke bahar hai, to ye hamare paas kaun sa ho gaya? Exterior angle ho gaya. एक्सटीरियर एंगल को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? हमेशा हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट फेस में जो इसके इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है. जैसा ए के ऑपोजिट फेस में क्या आ जाता है, ये तो दो लाइंस वो होगी जिनके साथ एंगल ए ड्रॉ होता है. इसके ऑपोजिट हमारे पास कौन से एंगल आ जाते हैं? ऑपोजिट फेस आ जाते हैं 55 एंड 47. सो एक्सटीरियर एंगल जो ए होगा, ये हमारे पास ऑपोजिट साइड इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा. So, हम ऐड कर लेते हैं. दो एंगल्स हैं हमारे पास, कौन से? 55 प्लस 47. सो इनको सम अप करके आप देखें हमारे पास क्या आ गया, 102. सो एक्सटीरियर एंगल, ये जो अननोन एंगल था हमारे पास, किसके इक्वल हो गया? 102 के. एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ऑपोजिट फेसेस के जो आपके पास इंटीरियर एंगल है उनका आपने सम अप कर लेना. ओके, अब हम पार्ट करते हैं पार्ट बी. ओके जी, पार्ट बी का फिगर ड्रॉ हो चुका है. अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है. इसमें दो ट्रायंगल्स हमारे पास, ए बी सी एक और ए डी सी सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास, या ए सी डी जैसे आप रीड आउट करें. ये जो स्ट्रेट लाइन है इस तरफ हो, ये भी 90 का एंगल बना रही है, और इसकी दूसरी तरफ ये भी 90 का एंगल है. हमने फाइंड करने अननोन एंगल्स. अब ये बी वाला जो कि मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, ये अननोन है हमारे पास, और ये वाली साइड. इन अननोन वेरिएबल्स को हमने एंगल्स को फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास अननोन नहीं है क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है कौन सा एंगल बना लेती है, 90 का एंगल. अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल होता है 180 के. हम 1 बाय 1 इसको यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी के लिए. ओके जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन सा? फर्स्ट 90 डिग्री, देन प्लस 35 डिग्री प्लस सी, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, आप बेशक लिख लें कि हमारे पास एंगल सम इज इक्वल होता है किसका? एंगल सम ट्राइंगल का इक्वल होता है 180 के. आप कॉर्नर पे लिख भी सकते हो. अब ऐड कर लें, हम ऐड कर लेते हैं 35 और 90 को, जो हमारे पास इक्वल आएगा 125 प्लस सी इज इक्वल टू 180. सी क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है, अननोन है, हम इसको इक्वल किसी साइड पे रहने देंगे. 125 पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. हम इसको मूव करवा देंगे इक्वल की दूसरी तरफ. अब हम सॉल्व कर लेते हैं 180 माइनस 125. सो हमारे पास एंगल सी कितना आ गया? एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री. ये जो एंगल सी था इसको हम साइड पे लिख लेते हैं. हमारे पास एंगल 5 कितना आ गया? 55 डिग्री. क्योंकि मैं इसको रेस कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है. ये ट्राइंगल हमारी फाइंड होगी, एंगल सी फाइंड हो गया हमारे पास. अब हम फाइंड कर लेते हैं ट्राइंगल सेकंड, जो कि हमारे पास कौन सी है? ए सी डी. ए सी डी, अब इनके एंगल्स नोट कर लें. एंगल हमारे पास है 50, देन 90, देन बी,
और इज इक्वल होगा 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास किस के इक्वल होता है 180 के। ऐड कर ले, 50 प्लस 90 हमारे पास होगा 140। अब बी अननोन है, बी को इक्वल किसी तरफ रहने दे और हम 140 को इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40, यानी कि एंगल बी हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री। तो इससे हमने फाइंड आउट कर लिए दोनों अननोन एंगल्स। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट क्वेश्चन 4 का, दैट इज पार्ट सी। ओके जी, फिगर सी ड्रॉ हो गया हमारे पास। अब इसमें हमने अननोन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास दो अननोन हो गए, एक तो हो गया डी और दूसरा हो गया हमारे पास ई। सबसे पहले हम डी को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 180 के। स्ट्रेट लाइन में आपके पास जो एंगल होगा 180 के। अब देखें इस शेप को, देखें आपके पास ये शेप है जिसमें आपके पास कुछ ऐसा है, ये डी है जो कि आपके पास अननोन है और ये 110 है। टोटल जो डी शेप होती है आपके पास सेमी सर्कल स्ट्रेट लाइन पे, ये आपके पास 180 डिग्री की होती है, सही है। अब इसका हाफ पार्ट हमें पता है दूसरा अननोन है, तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास ये पूरी सेमी सर्कल जो शेप है ये पूरी, ठीक है, इसको मैं शेड कर रही हूँ, ये पूरी साइड हमारे पास इक्वल है 180 के। दैट्स मीन के सम ऑफ दीज टू थिंग्स और दीज टू फिगर्स इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल्स का आपके पास सम कितना हो जाएगा 180 के इक्वल। यहां से हमें इजीली डी की वैल्यू पता चल जाएगी, 110 इक्वल किस तरफ पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। डी फाइंड हो गया हमारे पास, डी की क्या वैल्यू आई है 70 डिग्री। अब इस वैल्यू को यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर लेंगे इंटीरियर एंगल। अब डी तो हमारे पास अननोन नहीं रहा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। डी की जगह आपने लिखना है 70, क्योंकि हमने इसीलिए डी की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी, डी इज इक्वल टू 70। नाउ प्लस 2e प्लस 3e एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। 70 डिग्री प्लस 3 प्लस 2 5e इज इक्वल टू 180। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये तो हो गया 5e, इसमें अननोन है, इसको मैं इक्वल की इसी तरफ रखूंगी, इस 70 को इक्वल की दूसरी तरफ मूव कर लूंगी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 110। अब हमें इस e की वैल्यू चाहिए, ये 5 हमें नहीं चाहिए, 5 को बोथ साइड्स में डिवाइड कर दो, 5 5 से कैंसिल, और यहाँ पे 5 1 5 5 2 10, और अगेन वन कैरी होगा हमारे पास, तो 5 2 10, तो हमारे पास एंगल ई कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए, डी 70 हो गया। डी को हमने किस तरह से किया, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे जब डी की वैल्यू फाइंड आ गई तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो इस तरह आपके पास दोनों वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब क्वेश्चन 4 तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारे पास सारा, अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। ओके जी, क्वेश्चन 5 में हमारे पास है, इफ द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज आर 3x 4x एंड 5x, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंगल, और आपको एंगल्स की साइड्स कौन सी दे दी हैं, एंगल्स कौन सी दे दी हैं एक ट्रायंगल के, 3x 4x एंड 5x। इसका मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है और यहां पे 3x आ रहा है, यहां पे 4x आ रहा है और यहां पे 5x आ रहा है। आपको सबसे स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। ये तो मैंने इक्वल से ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल की कोई भी शेप हो सकती है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, इसका मतलब ये कोई टेढ़ा टेढ़ा सा एंगल होगा, ट्रायंगल होगा। सो सम ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास पता है, हमारे पास होता है सम ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सम ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12x इज इक्वल टू 180। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 180 डिवाइडेड बाय 12 50। x हमारे पास आ गया 15। अब ये सिर्फ x की वैल्यू है, हमारे पास स्मॉलर एंगल की नहीं आई, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ गई, अब आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ द स्मॉलर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो ये 5 है, ये 4 है, कोफिशियंट्स को देख लें, बेशक आगे वेरिएबल है, सबसे छोटा कोफिशियंट कौन सा है, 3। इसका मतलब स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास यही होगा,
थ्री इंटू आप वैल्यू पुट कर लो आपके पास क्या है 50 और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, रखो फिर भी आपको देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो आप सब में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। जब आपके पास तीनों वैल्यूज निकलेंगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा जो स्मॉलर वन होगी उसको आपने पिक कर लेना है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45, सो वी हैव द स्मॉलेस्ट एंगल इज ट्राइंगल इज 45। अब ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं है, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं मैम कैसे पता चलेगा स्मॉलेस्ट एंगल है, तो बेटा आपने सारी वैल्यूज में, ठीक है, इसको मैं रेज कर रही हूँ, आपको तो नहीं पता कि कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल है, तो आपने सब में वैल्यू पुट कर ली है। जिस तरह 3 की इधर की है हमने, यहाँ पे हम 4 की भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इस एंगल की भी कर लेते हैं। अब जब सब सॉल्व करेंगे हमें खुद ही पता चल जाएगा कौन सा हमारे पास स्मॉलेस्ट आ रहा है। ये 60 हो गया हमारे पास, और नेक्स्ट है 15 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास कितना आ गया 75। तो अब देखिए ये हमारे पास 60 है, 75 है, तो ये 45 है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा हो गया 3x वाला। सो यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया 4 और 5 आज के दिन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर क्वेश्चन 6 एंड ट्राई टू कवर द क्वेश्चन 7 एंड सो ऑन। So students, I hope so that you have the clear concept about how to find out the angles, exterior angle as well as the interior angle, unknown angles. Still, if you have any query, so you can put your query in the comment box. And the most important thing, don't forget to subscribe the channel, press the bell icon as well as please kindly inform me and give me your opinion in the comment box. Take care of yourself. Allah Hafiz.